एक्शन लीला धर तुम यहाँ हाँ सर आपसे कुछ बात करनी है ओके सर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूँ मैं भी चाहता हूँ कि उसकी मर्जी के हिसाब से ही हम चले जैसा भी ना हो मतलब वो नहीं चाहती है तो क्या ये तुम सर प्लीज बेटा ये सब अच्छी तरह सोच समझ कर कह रहे हो ना हाँ सर बिल्कुल सोच समझ कर अब समय आ गया देखिए मुरली जी ने जो आज किया मतलब आज नहीं थोड़े दिन पहले उन्होंने तो एक बम फोड़ा हमारे घर पे आ गया वो एक्सपेक्टेड नहीं था किसी से मुझे भी नहीं था बट कहीं ना कहीं उनकी बात सही है किसी ने रियलाइज़ नहीं किया कि आज तक उनके अंदर कितना कुछ है उन्होंने आज तक बताया नहीं बाहर ला के क्योंकि वो सबसे बहुत प्यार करते हैं मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं उनका छोटा भाई है मुझे हमेशा लाड प्यार दिया है एक फादर की तरह हमेशा ट्रीट किया है मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है तो मैंने कभी सोचा नहीं उस लाड प्यार में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि भैया के अंदर इतनी खटास है और एक ना एक दिन होना ही था होता ही है इस नेचुरल ह्यूमन के अंदर अगर बहुत कुछ हो वो एक कितनी देर तक पाइल अप करेगा एक ना एक दिन बाहर आता ही हो तो वही हुआ एंड मुरली जी ने अपनी पूरी सुनाई बचपन से कि आज तक उसके साथ क्या क्या गलत हुआ जो काफ़ी हद तक सही भी था तो हम सब समझते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं लेकिन बोलने के तरीके भी होते हैं जिस तरीके से उन्होंने बोला वो काफ़ी हर्ट किया स्पेशली मेरी माँ को क्योंकि मम्मी ने ऐसा कभी नहीं किया कि दोनों भाइयों में कभी भेदभाव किया हो लेकिन भैया ने माँ से भी रूडली बात कर ली तो वो मुझे बुरा लगा और मैंने उसी चीज़ में उनके साथ थोड़ा रूडली बात किया और भैया मेरे बीच में भी उस चीज़ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुझे रियलाइज़ हो गया है तो मैं सॉरी बोलने गया था लेकिन भैया काफ़ी नाराज़ है मुझसे अभी तो अभी तक तो उनकी नाराज़गी जारी है देखते हैं क्या होता है बट भैया भी सही है बट उन्होंने अपनी पॉइंट जो बात रखी थोड़ी गलत वे में रख दी तो वो उससे बाकी सब में थोड़ा अपसेट हैं लेकिन हम सब खुश हैं कि एटलीस्ट वो अभी इतने नाराज़ नहीं है जितने पहले थे उन्होंने खाना छोड़ दिया था वो भी खा रहे हैं सब कर रहे हैं प्लस वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं मुझे कल्चरल कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया तो मुझे हेल्प चाहिए उनकी तो उन्होंने मुझे वो अग्री हो गए हैं कि वो मेरी हेल्प करेंगे तो वो प्यार है अभी भी उनके अंदर वो गया नहीं है वो देख के बड़ी खुशी है तो बस कोशिश रही है कि भैया जल्दी से मान जाए और वापस मेरे पुराने वाले भैया आ जाए मेरे पास पहले और मेरी राधा एक नोकझोंक वाली केमिस्ट्री थी वो काफ़ी जम रही थी लेकिन अभी वो हटा के थोड़ा सा राधा ने थोड़ा सा अलग बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है जो इनिशियली मुझे वियर्ड लगा कि राधा ऐसा कैसे कर सकती है वो तो मेरे हर जोक पे उसे मेरा हर जोक बेकार लगता है हर चीज़ बेकार लगती है लेकिन अब वो थोड़ा बहुत वो रिटेलिएट नहीं करती है वो वापस मुझे काउंटर नहीं देती है तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि राधा ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है वैसी लड़की नहीं है बट इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग वो थोड़ा ब्लश करना स्टार्ट हो गई है तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि मेरी बातों पर राधा ब्लश करे तो अगर मतलब लड़की ब्लश करे तो थोड़ी सी तो उम्मीद होती है पता नहीं यार मेरे को भी उम्मीद है कि ये प्यार है कि नहीं है बट आई होप ये प्यार हो बट पता नहीं राधा के मन में क्या चल रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं कर रही है वो कुछ बता भी नहीं रही है कुछ कर भी नहीं रही है लेकिन वो चुप भी बैठी हुई है बट कुछ पॉजिटिव से दिख रहा है तो खुशी तो हो रही है अंदर दिल में लड्डू तो फूट रहे हैं बट देखते हैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपके मैसेजेस मुझे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए अपने मैसेजेस के द्वारा बहुत खुशी होती है जब अप्रिशिएट करते हैं हमारा शो पसंद करते हैं हमारी परफॉर्मेंस पसंद करते हैं हमें पसंद करते हैं क्योंकि ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं हम एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है कि हमारा काम मतलब हम अच्छी तरह से कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव आपके मैसेजेस मेरे को आपके लव की तरह आते हैं एंड लव यू ऑल थैंक यू सो मच